Now we are going to discuss about Merchandising philosophy, this case, while discussing the merchandising I was communicating, I was explaining that the whole decision of merchandising is based on merchandising philosophy, a merchandising philosophy kya hai? let me share it with you. Normally a retailer kya karta hai? he sets the guiding principles for all the merchandise decisions

जिस तरीके से जब हम मर्चेंडाइजिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू के मर्चेंडाइजिंग के अंदर नॉर्मली रिटेलर स्पेशली माइक्रो मर्चेंडाइजिंग के अंदर रिटेलर अपने आप को लोकल मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है तो सबसे पहले फिलोसफी डिफाइन करने के लिए यू हैव टू हैव अ टारगेट मार्केट एंड द डिज़ायर ऑफ़ दैट टारगेट मार्केट वट योर टारगेट कस्टमर टारगेट मार्केट इज लुकिंग फॉर तो अगर आपका टारगेट ट या आपका टारगेट कस्टमर जो है इज वेटिंग ही इज़ यू आप अपने पास एक्सपर्ट एक्स ब्रांड को सेल करें और वाई ब्रांड की सेल्स कम हो तो ऑफ़ कोर्स रिटेलर अकॉर्डिंगली विल टेक द डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट टाइमिंग क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल दूसरा पॉइंट इज रिलेटेड टू रिटेलर्स इंस्टीट्यूशनल टाइप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेलर को ये डिफाइन करना है कि मैं मेरा व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल टाइप विच आई एम एक्चुअली फॉलविंग जब ये वो आइडेंटिफाई कर लेगा दिस विल रियली हेल्प कि मुझे प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में सेल करना है मुझे प्रोडक्ट्स को मल्टी क्वांटिटी में सेल करना है मुझे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करना है या मुझे प्रोडक्ट्स को किसी इंडिविजुअल कपेसिटी के अंदर सेल करना है तो अगेन जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा अपना इंस्टीट्यूशनल टाइप तो दिस विल इजीली हेल्प हिम इन डिफाइनिंग इट्स मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी। थर्ड पार्ट हमारे पास है मार्केट प्लेस पोजिशनिंग व्हाट ट्रीटर हैज़ टू डिफाइन कि मार्केट प्लेस पोजिशनिंग उसकी क्या है बिकॉज दैट विल हेल्प हिम टू एक्सप्लेन टू शेयर टू शो हिज मर्चेंडाइज क्योंकि स्टोर के अंदर

फिलोसफी हैज टू वर्क इन कॉर्डिनेशन इन इंटेग्रेशन विदिजिनल मार्केट प्लेस देन डिफाइंड वैल्यू चेन सो द मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी शुड एक्सप्लेन द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटेलर क्या वैल्यू चेन वो फॉलो कर रहा है क्या वैल्यू चेन इज प्लैंड ताकि कहीं भी किसी किस्म का कोई भी गैप ना आए इसी तरीके से द मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी शुड रिफ्लेक्ट द सप्लायर कैपेबिलिटीज जिन लोगों के साथ जिन सप्लायर्स के साथ वो रिटेलर काम कर रहा है उनसे प्रोडक्ट्स बाई कर रहा है वट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लायर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स फ्राम द सप्लायर हु आर अनऑर्गेनाइज नॉट हैव द फैसिलिटीज प्रॉपर फैसिलिटीज तो उस केस के अंदर द पैरामीटर वुड बी वेरी डिफरेंट But if you are working with the suppliers which are organized, having proper logistics, proper supply chain, proper standards, proper HACCP, wo tamam parameters, to of course, and then their production capacities, those tamam parameters define kerenge, supplier key capabilities. So your merchandising philosophy should reflect the capability of your supplier, the strengths of your supplier, the core areas of your supplier, and of course, the other side also, so that you can improve accordingly. Normally, for example, the countries like Pakistan, where the where the retailers observe that Pakistan, for example, is an agriculture country. However, their supplier capabilities with respect to agriculture is not very good; is very weak. So, what they do, they try to synchronize uh, a program where they can improve the uh, they can connect with the farmer and they can build capabilities of that particular supplier. So, international chains. Normally, Jaha grow kar rahe hote hai, wahan at the same time they work on building the capabilities of their supplier so that supplier grow also and ultimately this should reflect by your merchandising philosophy. So again, all the cost associated, either direct cost, either indirect cost, either fixed cost, either variable costs. so all type of costs should be reflected in the merchandising philosophy.

If you want to see, you have to see your competitor. So they should be defined. Your merchandising philosophy should reflect the list of competitors and what are their strengths and in which area they are operating, what, what are the core capabilities, core competencies they have, as compared to what are the core competencies you have. And last is merchandising philosophy should reflect product trends for example, if the product is the seasonal product, so the, the seasonality trend, the, it should reflect. if it is ac, so ac should reflect the seasonality trend. if it is camping, so it should reflect the seasonality trend. so again, all the product categories, jisc merchandising plan, jisc merchandising philosophy, you are going to make, um, sapka ka proper product life cycle or product trends. कैलेंडराइजेशन सीजनेलिटी एवरी थिंग शुड भी प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन योर मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी सो एक रिटेलर के लिए गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स को सेट करना गाइडिंग प्रिंसिपल को सेट करना ताकि वो तमाम मर्चेंडाइज डिसीजन को ले सके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ड्राफ्ट करें अपनी मर्चेंडाइजिंग फिलोसफी इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट है देन इट विल बेनिफिट ऑफकोर्स द रिटेलर इन टर्म्स ऑफ हैविंग द्रोप्रिएट merchandise solution for their customer.